ये आपके आ गए कंपाउंड लिपर्स। अच्छा, कंपाउंड लिपर्स होते क्या हैं? कंपाउंड लिपर्स में आपने पढ़ा है कि लिपर्स होते क्या हैं? एक्स्ट्रा फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल, ठीक है। लेकिन वेरियस अल्कोहल के साथ जो अब फैटी एसिड के एस्टर बनते हैं, इन कंपाउंड लिपर्स के अंदर उनके अलावा कोई एक्स्ट्रा प्रोस्टेटिक ग्रुप भी आ जाता है, यानी अल्कोहल और फैटी एसिड के अलावा कोई एक्स्ट्रा प्रोस्टेटिक ग्रुप आ सकता है। वो एक्स्ट्रा प्रोस्टेटिक ग्रुप जो है वो सल्फर का हो सकता है, फास्फोरस का हो सकता है, माइनोएक ग्रुप का हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का हो सकता है, प्रोटीन का हो सकता है, ठीक है। यानी कि फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा कोई और ग्रुप आ जाए, ठीक है, तो सिंपल लिपिड कंपाउंड लिपिड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। कंपाउंड आर कंजुगेटेड लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एडिशन ऑफ ग्रुप। फास्फोलिपिड जिनमें फास्फेट ग्रुप की एडिशन हो जाएगी, ग्लाइकोलिपिड जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की एडिशन हो जाएगी, और लिपोप्रोटीन जिसमें प्रोटीन की एडिशन हो जाएगी, सल्फोलिपिड जिसमें सल्फेट ग्रुप की एडिशन हो जाएगी, और माइनोलिपिड जिसमें माइनो ग्रुप से अमाइनो एसिड की एडिशन हो जाएगी। तो इन जो फंक्शन लिखे हुए हैं फास्फोलिपिड्स के, उनको हम जरा डिटेल में देखेंगे जब वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं, ये सारे फंक्शंस आगे आएंगे डिटेल के अंदर। तो अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें और इसकी लोकेशन को देखें, तो ये सारे सेल्स के अंदर होते हैं, प्लांट्स हो या एनिमल सेल हो, ये सब के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये मिल्क एग योक के अंदर पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैसिथिन, ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें मोस्टली ग्लिसरॉल होती है एज ए अल्कोहल, उसके साथ फैटी एसिड लगे होते हैं। इसके अलावा फास्फोरिक एसिड होता है और उसके साथ नाइट्रोजनस बेस लगी होती है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर एक पढ़ते हैं, वो सब के अंदर कॉमन होगा, वो आगे आएगा, ठीक है। तो ग्लाइसरोफास्फोलिपिड दो तरह के फास्फोलिपिड होते हैं, एक ग्लाइसरोफास्फोलिपिड और दूसरा स्फिंगोफास्फोलिपिड। ग्लाइसरोफास्फोलिपिड जो है वो 6 हैं और स्फिंगोफास्फोलिपिड सिर्फ एक ही है, जिसको हम स्फिंगोमाइलिन कहते हैं, ठीक है। बकाया मोस्टली फास्फोलिपिड्स के अंदर ग्लाइसरॉल एज ए अल्कोहल होती है, लेकिन एक है ऐसा फास्फोलिपिड जिसमें स्फिंगोसिन होती है, उसको हम स्फिंगोमाइलिन कहेंगे, उसका स्ट्रक्चर आगे आएगा। अच्छा, ये वाला जो फास्फोलिपिड है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फास्फाटिडिक एसिड, ठीक है। ये जो फास्फोलिपिड है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये सारे ग्लाइसरोफास्फोलिपिड के अंदर कॉमन स्ट्रक्चर होता है। ये वाला ग्लाइसरोफास्फोलिपिड क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दूसरे जो ग्लाइसरोफास्फोलिपिड्स हैं उसके अंदर सब के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर मौजूद होगा। क्या स्ट्रक्चर मौजूद होगा? कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर या थर्ड कार्बन के ऊपर फैटी एसिड लगा होता है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर और सेकंड कार्बन के ऊपर, या सेकेंड कार्बन के ऊपर या थर्ड कार्बन के ऊपर फैटी एसिड लगा होता है, ठीक है। तो जो पहला और आखिरी कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, सेकेंड वाले को बीटा कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो अल्फा कार्बन के ऊपर एक फैटी एसिड लगा हुआ है और बीटा कार्बन के ऊपर एक फैटी एसिड लगा हुआ है, लेकिन जो तीसरा कार्बन है उसके ऊपर फॉस्फोरिक एसिड लगा हुआ है, फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? फास्फाटिडिक एसिड का। इसमें क्या होते हैं? दो ग्लाइसरॉल के साथ दो फैटी एसिड लगे होते हैं और एक फास्फेट ग्रुप लगा होता है। अच्छा, इसमें अगर फास्फेट ग्रुप जो है वो अल्फा कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे? अल्फा फास्फाटिडिक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा फास्फाटिडिक एसिड। लेकिन अगर ये फास्फेट ग्रुप ये बीटा कार्बन पे आ जाता है और फैटी एसिड थर्ड कार्बन के ऊपर चला जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बीटा फास्फाटिडिक एसिड। यानी कि अगर फास्फेट ग्रुप अल्फा कार्बन के ऊपर लगा होगा तो
उसको हम अल्फा फास्फाटिडिक एसिड कहेंगे, और अगर बीटा कार्बन के ऊपर लगा होगा तो बीटा फास्फाटिडिक एसिड कहेंगे। ये बीटा सर कार्बन के ऊपर सर फास्फ आप बहुत हाँ जी, सबको आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, आ रही है आपके बाद, बिल्कुल क्लियर है। उसका नेट इशू होगा। हाँ जी, आपका नेट इशू, सर क्लियर नहीं है इतनी। आपकी नेट इशू है। आप किसी ऊपर किसी अपर स्टोरी में जाके देखें जहाँ पे नेट की जो है ना वो सही हो, अवेलेबिलिटी। अच्छा, फास्फाटिडिक एसिड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट होता है। ट्राइग्लिसराइड की जब डाइजेशन होती है तो तब भी ये फास्फाटिडिक एसिड बनता है। इसके अलावा ये सेकंड मैसेंजर के तौर पर फंक्शन करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और इसकी दो फॉर्म होती है, अल्फा फास्फाटिडिक एसिड एंड बीटा फास्फाटिडिक एसिड। अच्छा, लेसिथिन, लेसिथिन में इधर आप छोटी सी चेंज लेके आते हैं। अगर फास्फेट ग्रुप के साथ आप कोलीन बेस लगा दें तो ये फास्फाटिडिक एसिड किसमें चेंज हो जाएगा, लेसिथिन। और अगर ये जो फास्फेट ग्रुप के साथ लेसिथिन जो लगती है वो अल्फा कार्बन के ऊपर लगती है तो इसको अल्फा लेसिथिन कहेंगे, और अगर ये बीटा कार्बन के ऊपर इधर कोलीन आके लग जाती है तो मैंने कहा ये सब ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स के अंदर कॉमन स्ट्रक्चर होगा, किसका, फास्फाटिडिक एसिड का। अगर इधर हम कोलीन बेस लगा देंगे तो ये बन जाएगा अल्फा लेसिथिन, और अगर इधर हम बेस जो कोलीन बेस है वो लगा देंगे तो ये बीटा लेसिथिन बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो लेसिथिन है ये मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, जो अल्फा फॉर्म होती है वो ब्रेन के अंदर मौजूद होती है, बीटा फॉर्म जो है वो एग योक के अंदर मौजूद होती है, और जो लीवर है उसमें दोनों टाइप्स मौजूद होती हैं, ठीक है। लेसिथिन आर सर इम्पोर्टेंट बीटा फॉर्म कहाँ होती है, रिपीट कीजिएगा। एग योक के अंदर, ठीक है। बीटा फॉर्म कहाँ पे होती है, एग योक के अंदर, ठीक है। और लीवर के अंदर दोनों होती हैं, ब्रेन के अंदर अल्फा फॉर्म होती हैं, ठीक है। लेसिथिन आर इम्पोर्टेंट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट बाय द लीवर, क्योंकि ये मोबिलाइज करती है लाइपेज को उधर। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, अगर आप फास्फेट ग्रुप के साथ क्या लगा दें, कोलीन बेस, तो वो क्या बन जाता है, लेसिथिन, ठीक है। वो क्या बन जाती है, वो लेसिथिन के अंदर चेंज हो जाती है। तो मोस्टली जो फैटी एसिड इसके अंदर पाए जाते हैं वो स्टीरिक एसिड, पालमेटिक एसिड, ओलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, लाइनोलिनिक एसिड, ग्लाफेनडोनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। ये आप देखें स्ट्रक्चर इसका, ये अल्फा लेसिथिन है, इसमें ये अल्फा कार्बन के ऊपर फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है और साथ में कोलीन बेस। कोलीन बेस में क्या होता है कि ये एन के साथ तीन मिथाइल ग्रुप, फिर सी एच टू ओ एच होता है, ओ एच फास्फेट ग्रुप के साथ लगा होता है बाय फास्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये बीटा लेसिथिन है क्योंकि इसमें दूसरे कार्बन के ऊपर फास्फेट ग्रुप के साथ कोलीन बेस लगी होती है। अच्छा, लाइसोलेसिथिन क्या होता है, लाइसोलेसिथिन होता है कि अगर एक फैटी एसिड उतर जाए लेसिथिन से बाय लेसिथिनेज एंजाइम तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाइसोलेसिथिन में। यानी कि लेसिथिन के अंदर अगर एक फैटी एसिड उतर जाए ये लाइसोलेसिथिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और लेसिथिनेज एंजाइम कोबरा के विनोम के अंदर होता है। किसके विनोम के अंदर होता है, कोबरा के विनोम के अंदर, यानी कि स्नेक के विनोम के अंदर होता है। तो ये करता क्या है, जब ये फैटी एसिड रिमूव कर देगा तो ये लेसिथिन जो होती है ये रेड ब्लड सेल के स्ट्रक्चर के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा होती है। रेड ब्लड सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसके स्ट्रक्चर में के अंदर ये बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये लेसिथिनेज एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करता है, एक फैटी एसिड उतरता है सेकंड कार्बन पे या थर्ड कार्बन के ऊपर लगा हुआ है,
तो वो लैसिथिन लैसोलैसिथिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की जो हो जाती है शक्ल चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है, और वो कोगुलेट कर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और डेथ हो जाती है। और लैसिथिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लंग सर्फेक्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो यूज होता है लेसिथिन का मालिक्यूल, वो डाईपाल्मिटाइल लेसिथिन है। डाईपाल्मिटाइल लेसिथिन का मतलब क्या है कि इसके फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे दोनों पे डाईपाल यानी कि पाल्मेटिक एसिड लगा हुआ है, ठीक है। इस लंग सर्फेक्टेंट बनता कैसे है, जब डाईपाल्मिटाइल लेसिथिन के साथ स्विंगोसिन और लिपोप्रोटीन ए बी सी डी का कॉम्प्लेक्स बनता है तो लंग सर्फेक्टेंट बनता है। ये प्रोड्यूस तो होता है एल्विलर टाइप 2 के सेल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एंकर दोनों सेल्स के ऊपर होता है, टाइप 1 एल्विलर सेल्स के ऊपर भी और टाइप 2 के ऊपर भी। ये करता क्या है, इट लोअर द एल्विलर सरफेस टेंशन एंड इम्प्रूव द गैस एक्सचेंज बिसाइड एक्टिवेटिंग मैक्रोफेजेस टू किल पैथोजन। यानी कि जब ये लंग सर्फेक्टेंट बन जाता है तो क्या होता है कि ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो आपके एल्विलाइड सेल्स हैं वो डायलेट कर जाते हैं। इस तरह ये डायलेट कर देंगे, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, गैसियस एक्सचेंज ज्यादा हो जाएगा। दूसरा ये काम क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस जो कि इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, जो कि माइक्रोब को किल करते हैं। प्री मिच्योर जो बेबीज बॉर्न होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि ये जो लंग सर्फेक्टेंट है ये नहीं बनता, ठीक है। तो उनमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होती है, तो इसलिए हम उसको उन बेबीज जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनको इंक्यूबेटर में रखते हैं, ऑक्सीजन देते हैं उसको, ठीक है। जो मदर कोम लाइक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं उसको, तो फिर वो बचा रहता है। और फिर हम इसको इंजेक्शन भी देते हैं ग्लूकोकार्टिकाइड्स का, ताकि उसमें जो लंग सर्फेक्टेंट है उसकी सिंथेसिस बढ़ जाए, और उसकी वजह से लंग की, जब ये ग्लूकोकार्टिकाइड देते हैं तो लंग्स की डिफरेंशिएशन यानी कि उसकी फॉर्मेशन तेज हो जाती है, उसकी डिफरेंशिएशन तेज हो जाती है और वो जल्दी से लंग सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ठीक हो गया। अब लैसिथिन के अंदर से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इधर ही, फिर आगे चलते। शरीर जो आपने रेड रेड ब्लड सेल वाला बताया है मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, कि इसमें ये पॉइंट दोबारा बता दें। मैंने कहा लैसिथिन जो है वो रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन में ज्यादा होता है, तो अगर स्नेक के विनोम के अंदर लैसिथिनेज एंजाइम होता है वो बाइट करता है तो लैसिथिनेज एंजाइम ब्लड के अंदर चला जाता है, तो जो ब्लड की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो लैसिथिन है उसके अंदर से एक फैटी एसिड लैसिथिनेज एंजाइम रिमूव कर देता है, वो लाइसोलैसिथिन में कन्वर्ट हो जाता है और मेम्ब्रेन डिस्टेबलाइज हो जाती है, और जो रेड ब्लड सेल है वो कोगुलेट कर जाते हैं, कोगुलेट करेंगे और डेथ हो जाएगी। तो अगला जो है हमारे पास सेफेलिन है, सेफेलिन को हम कैफेलिन भी कहते हैं, कैफेलिन इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ये ब्रेन एरिया से हेड एरिया से। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी सर गाजी, प्लीज, जो सरफेस टेंशन वाला पॉइंट आपने बताया था ये बता दें, उसके आगे से आपने दो बताए थे ना। ये जो लेसिथिन है ये हेलो, सरफेस, हाँ जी, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। जब सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगी तो एल्विओलर सेल्स डायलेट कर जाएंगे, वो फैल जाएंगे, ठीक है। फैलने की वजह से उनमें गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन ज्यादा अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर जाएगी, ये गैसियस एक्सचेंज ज्यादा हो जाएगा। लेकिन न्यूबॉर्न बेबी में क्या होता है कि ये जो लंग सर्फेक्टेंट है ये नहीं बनता, और उनको एक डिजीज होती है जिसको हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम करते हैं, यानी कि उनको अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर हम उनको इंक्यूबेटर में रखते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन जब उनको मिलती है प्लस हम एक इंजेक्शन लेते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड का, जिसकी वजह से लंग्स में डिफरेंशिएशन ज्यादा हो जाती है और ये जो लंग सर्फेक्टेंट है ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और दोबारा से लंग्स काम करना शुरू कर देते हैं, ऑक्सीजन को वाफर क्वांटिटी में लेना शुरू कर देते हैं।
अस्सलाम उधर। वालेकुम सर। हाँ जी सर ये वेनम सर इंजाइम इनहिबिटर के तौर पे भी तो काम करता है। विनोम की टाइप्स होती हैं भाई, कोई होते हैं न्यूरोटॉक्सिक, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक जो होते हैं वो जो है ना ब्रेन को इनहिबिट करते हैं, एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज इस तरह के एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और डेथ हो जाती है। तो जो कुछ होते हैं हेमोटॉक्सिक, ये तो है, ये जो आपको एंजाइम इनहिबिटर का कह रहे हैं ना वो तो होते हैं जो आपके ब्रेन के एंजाइम को जाके इनहिबिट करते हैं। ये जो है हिमोलिसिस करता है, ये जो कोबरा के अंदर विनोम होता है ये डेड ब्लड सेल के अंदर हिमोलिसिस करता है और लैसिथिनेज एंजाइम इसमें कसरत से यूज होता है तो रेड ब्लड सेल कोगुलेट कर जाते हैं। हर विनोम का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। मैंने ये जो विनोम है ये लैसिथिनेज एंजाइम का है, इसको हम एंजाइम को ही एज ए कहेंगे कि ये टॉक्सिक है, जो लैसिथिनेज एंजाइम है ये टॉक्सिक है और ये रेड ब्लड सेल के स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज कर ले। अगला हमारा है सेफेलिन, या इसको कैफेलिन कहते हैं। जो कैफेलिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो सेफेलिन है इसको सबसे पहले हेड एरिया से आइसोलेट किया था, ब्रेन से आइसोलेट किया गया था, तो ब्रेन हेड का नाम कैफेले होता है, तो ये जो आपका ग्रीक वर्ड है तो उसकी वजह से इसको कैफेलिन भी कहते हैं। अब इसमें और लैसिथिन में बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस है, अगर कोलिन की बजाय आप एथेनोलामीन या सीरीन माइनोइसर लगा दें तो क्या होगा, जो आपकी लैसिथिन है वो सेफेलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। स्ट्रक्चर में एक चीज कॉमन आ रही है वो फॉस्फाटिडिक एसिड है, ठीक है। फॉस्फाटिडिक एसिड के अंदर अगर आप सीरीन या एथेनोलामीन लगा देंगे तो ये सेफेलिन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो सेफलिन है ये मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है ऐसे, ठीक है। और इसमें जो माइनो एसिड होते हैं एथिलोनिन होती है, सीरिन या थ्रियोनिन माइनो एसिड मौजूद होते हैं इसके अंदर। ये आप देखें, ये जो आपके पास फास्फेट ग्रुप है इसके साथ एथिलोनिन लग सकती है, सीरिन लग सकती है, थ्रियोनिन, तो ये आपके पास क्या है, सेफलिन का स्ट्रक्चर है। अब सेफेलिन क्या करती है बॉडी के अंदर, इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये सेफेलिन जो है वो फास्फोलिपिड के साथ कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलके, ठीक है, और लिपोप्रोटीन के साथ मिलके ये एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको हम क्या कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करती है, इट एक्सिलरेट द क्लोटिंग ऑफ ब्लड बाय एक्टिवेटिंग द प्रो थ्रोम्बन टू थ्रोम्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। ये जो आपकी सेफेलिन है ये दूसरे फास्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन के साथ मिलके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है और थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रो थ्रोम्बन को थ्रोम्बन में कन्वर्ट करती है जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग में हेल्प आउट करती है ये। अगला जो हमारे पास फास्फोलिपिड है बहुत इम्पोर्टेंट है वो है प्लाज्मेलोजन, ठीक है। प्लाज्मेलोजन आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, फास्फोलिपिड फंक्शन ऑफ ब्रेन मसल्स लिवर सीमन एंड एग्स, ठीक है। ब्रेन और मसल में ये ज्यादा क्वांटिटी में होता है, इसके अलावा ये लिवर और सीमन और एग्स के अंदर मौजूद होता है और ज्यादातर ये ब्रेन की मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है लैसिथिन के स्ट्रक्चर की तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन फर्क क्या है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इसकी तरह का है लैसिथिन का, ठीक है। डिफरेंस ये है यहाँ पे जो फैटी एसिड की बजाय फैटी अल्कोहल लगी होती है, ठीक है। और ये जो OH है इसके साथ जो पहला और दूसरा कार्बन होगा उसमें डबल बांड होता है, तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बाद वाला कार्बन होगा यानी कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल है ग्रुप पे इसमें, तो इसके बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और फिर जो दूसरे वाले को बीटा कार्बन कहेंगे। तो इसमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड डबल बांड होता है फैटी अल्कोहल, ठीक है।
और ये तकरीबन 18 कार्बन की होती है, और ये हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐसा हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और एक इथरेक बांड बनता है। कौन सा बांड बनता है? इथरेक बांड बनता है। फर्क क्या है लेसिथिन और प्लाज्मेलोजन के अंदर? यहाँ पे फैटी एसिड की बजाय अनसेचुरेटेड फैटी अल्कोहल लगी होती है। अनसेचुरेटेड कौन सी? जिसमें अल्फा और बीटा कार्बन पे डबल बांड होता है, ठीक है। और जो थर्ड कार्बन मोस्टली ये जो फैटी एसिड लगा होता है, ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है इसके अंदर, ठीक है। तो लेसिथिन और प्लाज्मेलोजेन का क्या फर्क है? यहाँ पे अल्कोहल होती है अल्कोहल की फैटी एसिड की बजाय, और जो अल्कोहल होती है वो अनसेचुरेटेड होती है। अगला जो हमारे पास फास्फोलिपिड है वो नोसीटाइड है। नोसीटाइड क्या है? इसको हम फास्फोटाइडल अनोसीटोल भी कहते हैं। क्यों फास्फोटाइडल अनोसीटोल कहते हैं? क्योंकि इसमें जो फास्फेट ग्रुप के साथ अनोसीटोल अल्कोहल लगी होती है, इसके 6 के 6 कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं। इसके 6 के 6 कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होते हैं। तो इसमें ये क्या फर्क है? ये फास्फाटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर है, इसमें जो बेस लगी होती है, जो अल्कोहल लगी होती है साथ, वो क्या है? इनोसिटोल है। वो कौन सी है? इनोसिटोल। तो ये स्ट्रक्चर बनता है फास्फोटाइडल इनोसिटोल, और इसका ओवरऑल नेम हम इसको इनोसिटाइड भी कहते हैं, इसको हम इनोसिटाइड भी कहते हैं। तो इसमें एक सैचुरेटेड फैटी एसिड ग्लाइसरॉल के साथ लगा होता है, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और एक फास्फेट ग्रुप के साथ इनोसिटोल अल्कोहल होती है। अच्छा, जब इसने सेकेंड मैसेंजर के तौर पर काम करना होता है तो क्या होता है कि इसके ये जो कार्बन नंबर 4 और 5 है, ये जो 4 और 5 है, इसके ऊपर भी फास्फेट ग्रुप लग जाते हैं। इसके ऊपर भी क्या लग जाते हैं? 4 और 5 पोजीशन पे फास्फेट ग्रुप लग जाते हैं काइनेज एंजाइम की मौजूदगी में। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं फास्फोटाइडल एनोसिटोल डाइफास्फेट, ठीक है। फास्फोटाइडल एनोसिटोल डाइफास्फेट, क्योंकि 4 और 5 पोजीशन पे क्या लगे हैं? फास्फेट ग्रुप। अब यहाँ पे अगर ये जो आपका एंजाइम है वो क्या नाम है इसको, फास्फोलाइपेज सी, ठीक है, जब यहाँ पे एक्ट आके करता है तो बनता है डाइसाइल ग्लाइसरॉल और इनोसिटोल ट्राइफास्फेट। ये दोनों सेकेंड मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं और आगे कैल्शियम आयन प्रोड्यूस करते हैं और फास्फाटेज एंजाइम को जाके एक्टिवेट करते हैं, और फास्फाटेज एंजाइम जो है वो फास्फेट ग्रुप को रिमूव करता है, जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिव हो जाएगा या इनएक्टिव हो जाएगा। तो पहला फास्फोटाइडल इनोसिटोल सेकंड 2 सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस करता है। जब इसके 4 और 5 पोजीशन पे फास्फोरिलेशन हो जाती है तो इनोसिटोल फास्फोटाइडल इनोसिटोल डाइफास्फेट बनता है। इसके ऊपर यहाँ पे फास्फोलाइपेज सी एंजाइम एक्ट करता है तो ये बनता है डाइसाइल ग्लाइसरॉल, यानी कि ग्लाइसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड लगे हुए हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है इसके ऊपर 3 फास्फेट ग्रुप है, 4, 5 और 1 कार्बन के ऊपर, तो इसको इनोसिटोल ट्राइफास्फेट कहते हैं। ये दोनों सेकेंड मैसेंजर, डाइसाइल ग्लाइसरॉल भी और इनोसिटोल ट्राइफास्फेट, ये दोनों सेकेंड रिपीट कीजिएगा दोनों के नेम, डाइसाइल ग्लाइसरॉल नेम रिपीट कीजिएगा जो सेकंड मैसेंजर के तौर पर। कह रहा हूँ ये ग्लाइसरॉल है आपके पास, इसके साथ 2 फैटी एसिड लगे हुए हैं तो ये डाइसाइल ग्लाइसरॉल, और ये नोसिटोल है, इसके 4, 5 और 1 कार्बन के ऊपर फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम नोसिटोल ट्राइफास्फेट कहेंगे। दोनों सेकंड मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं। इसकी डिटेल आगे है, ये मोस्टली ब्रेन टिश्यू में होता है और ये सेकंड मैसेंजर के तौर पर फंक्शन करता है, और मेजर तो जी कंपोनेंट बस कर है, दें। मेजर कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड, पर्टिकुलरली एट द इनर लीफलेट ऑफ इट। दे प्ले ए मेजर रोल एज ए सेकंड मैसेंजर ड्यूरिंग सिंगुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन फॉर सर्टेन हार्मोन। ऑन हाइड्रोलिसिस बाय फास्फोलाइपेज सी
दो प्रोडक्ट बनते हैं आपके पास, एक डाइसल्ग्लिसरॉल एक नोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, और ये दोनों कैल्शियम आयन को प्रोड्यूस करते हैं और सेकंड मैसेंजर के तौर पर वर्क करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास लास्ट पे ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड है वो कार्डियोलिपन है। वो क्या है? कार्डियोलिपन है। कार्डियोलिपन क्या है कि ये एक ग्लाइसरोल है, इसके साथ अगर दो फॉस्फाटिडिक एसिड के मॉलिक्यूल लगे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? कार्डियोलिपन। यानी कि ग्लाइसरोल के ऊपर दो फॉस्फाटिडिक एसिड के मॉलिक्यूल लग गए हैं तो ये क्या बन गया है? कार्डियोलिपन। ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकांड्रिया के अंदर मौजूद होता है और ऑटोइम्यून डिजीजेस की डायग्नोसिस में हेल्प आउट करता है। ऑटोइम्यून डिजीजेस हो जाती हैं अगर ये क्या है, इसका लेवल बढ़ गया हो कार्डियोलिपन का। तो अगर आपकी इम्यूनिटी की प्रोटीन ज्यादा हो गई है तो इसका लेवल भी ज्यादा हो जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें तीन ग्लाइसरोल के मॉलिक्यूल हैं, एक दो, और ये तीन ग्लाइसरोल हैं, चार फैटी एसिड हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड ये 4, 4 फैटी एसिड हैं, और फास्फेट ग्रुप कितने हैं? एक और दो, दो फास्फेट ग्रुप हैं। तो ये एक फास्फाटिडिक एसिड का मॉलिक्यूल है, इधर आ जाओ, और ये एक फास्फाटिडिक एसिड का मॉलिक्यूल है और ये ग्लाइसरोल के साथ लगे हुए हैं। तो एक ही हमारे पास स्फिंगोफास्फोल, ये हमारा लास्ट है, एक ही हमारे पास स्फिंगोफास्फोलिपिड है, वो है स्फिंगोमाइलिन, ठीक है। स्फिंगोमाइलिन जो है ये लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है ब्रेन और नर्व्स के अंदर, और स्मॉलर अमाउंट में लंग्स, स्प्लीन, किडनी, लिवर और ब्लड के अंदर यूज होता है। अब ये क्या है आपके पास? स्फिंगोसिन, और ये इसके मोनोग्रुप के साथ फैटी एसिड लगा हुआ है, ठीक है। अगर स्फिंगोसिन के साथ फैटी एसिड लगा हुआ है तो इसको सेरामिड कहते हैं। अब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को 18 कार्बन के ऊपर लगा होता है, इसके ऊपर फास्फेट ग्रुप लगा है, तो फास्फेट ग्रुप के साथ कोलिन बेस लगी है तो ये स्फिंगोमाइलिन बनती है। यानी कि स्फिंगोसिन जब के साथ जब फैटी एसिड लग जाता है माइल्ड लिंकेज के जरिए तो क्या बनता है? सेरामिड। सेरामिड के साथ अगर फास्फेट ग्रुप लग जाता है तो इसको हम फास्फेट ग्रुप के साथ कोलिन बेस लग जाती है तो इसको स्फिंगोमाइलिन कहते हैं। ये जो सेरामिड है ये फ्री स्टेट में भी स्प्लीन, लिवर और रेड सेल्स के अंदर दूर होता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास फैटी एसिड लगा होता है स्फिंगोसिन के साथ, ये होता है माइल्ड लिंकेज के जरिए, यानी कि माइनो ग्रुप इसका और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसका वाटर रिमूव होता है तो इसमें जो बॉन्डिंग बनती है वो माइल्ड बॉन्ड होता है, तो ये माइल्ड बॉन्ड के जरिए लिंक होते हैं। अब आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए फास्फोलिपिड्स के। इस स्ट्रक्चर में ग्लाइसरॉल कहाँ पर है? मैं कह रहा हूं कि ये स्फिंगो फास्फोलिपिड है और एक ही है, इसमें ग्लाइसरॉल नहीं होता, ठीक है। ये जो स्फिंगोमाइलिन है ये एक ही फॉस्फोलिपिड है जिसके अंदर स्फिंगो सीन होती है एज ए अल्कोहल, ठीक है। बकाया में सब में जो हमने पढ़ा है वो ग्लाइसरॉल एज ए अल्कोहल होती है, ये एक ही है और इसको याद करने में भी आसानी है क्योंकि स्फिंगो सीन के साथ ये जो माइनो ग्रुप लगा होता है इसके ऊपर फैटी एसिड ग्रुप अटैच हो जाता है, इसको सेरामिड कहते हैं। सेरामिड के साथ अगर फास्फेट ग्रुप और कोलिन बेस लग जाएंगे तो उसको स्फिंगोमाइलिन कहेंगे। ये एक ही फास्फोलिपिड है जो आपके ब्रेन के अंदर और नर्व्स के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है। हाँ जी, स्मॉल क्वांटिटी में लिवर के अलावा किन किन ऑर्गन्स में पाया जाता है? रेड सेल स्प्लीन के अंदर ये मौजूद होता है, रेड ब्लड सेल्स स्प्लीन के अंदर मौजूद होता है, लीवर के अंदर भी थोड़ी क्वांटिटी में मौजूद होता है, तो मोस्टली ये ब्रेन रीजन में ज्यादा होता है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? एक ही बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, अब क्या लोगों को समझ आ रही है इसका मतलब है? सर, आपने कार्डियोलिपिड का बताया था, उसमें थोड़ा सा उसका लेवल कब घटता है? ये जो ऑटोइम्यून डिजीजेज हो जाते हैं जब ये जो इम्यूनिटी के प्रोटीन है IgG, IgM, IgD, IgE, इनका लेवल जब डिस्टर्ब हो जाता है तो तब इसका लेवल बढ़ता है कार्डियो, इसको कहते हैं हम कार्डियोलिपन।
ऑटोइम्यून डिजीज है, यानी कि इम्यूनिटी की प्रोटीन का ऊपर नीचे हो जाता है। सर, ये जो लंग सर्फेक्टेंट में आपने डाईपालमेटिक एसिड का बताया था, ये फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर बता दें कैसे था? मैं कह रहा हूं कि ये फर्स्ट और सेकंड कार्बन के अगर दोनों पे पाल्मेटिक एसिड है तो इसको हम क्या कहेंगे, डाई पाल्मिटेल लेसिथेन। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि ये जो सेकंड कार्बन होता है ये अनसेचुरेटेड होता है, लेकिन जो लेसिथेन होती है लंग्स के अंदर उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों फैटी एसिड पाल्मेटिक एसिड होते हैं, इसलिए इसको हम डाई पाल्मिटाइल लेसिथेन कहते हैं। और सर, बेबी को किस चीज़ के इंजेक्शन देते हैं और क्या वो जो लंग सरफेसों से एक्सपेंड करता है या डिक्रीज करता है? ग्लूकोकार्टिकॉइड का इंजेक्शन देते हैं जो लंग्स की डिफरेंशिएशन यानी कि लंग्स की डिवीजन जो है वो बढ़ा देता है, जिससे लंग्स जो है ना जल्दी मिच्योर हो जाता है। जब लंग्स जल्दी मिच्योर हो जाएगा तो वो लेसिथेन प्रोड्यूस करना चाहिए। सर, फिर ये लंग सर्फेक्टेंट बनाते हैं ये जो डाईपाल्मेटिक, डाईपाल्मिटाइल लेसिथेन और इसके साथ फिर फास्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन ए बी सी डी मिलते हैं तो फिर वो फंक्शन करते हैं एज ए लंग सर्फेक्टेंट। ओके सर। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? कल हम ग्लाइकोलिपिड करेंगे और उसके साथ एक विटामिन करेंगे, विटामिन ए ही कर लेंगे, ठीक है? कल हम ग्लाइकोलिपिड के साथ एक विटामिन करेंगे, विटामिन ए करेंगे। सर, हमारे कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स सर हैं? कोर्स में काफ़ी टॉपिक्स हैं आपके, ये मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। कोर्स में आपका है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड, लिपिड मेटाबॉलिज्म, एंजाइम्स का चैप्टर है, विटामिन्स का चैप्टर है, प्रोटीन डाइजेशन है थोड़ा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, यूरिया साइकिल है, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड है, और थोड़ा सा सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी के मतलब इंट्रोडक्शन है बस। बस तो सर, ये तो पहले इतना बहुत ज्यादा ही सिलेबस सेल था आप बोल। मेम्ब्रेन भी हल्की सी है उसमें, उसके फंक्शन तो शायद हम निकाल लिए सर, हैं। हम मिड का नहीं करेंगे इसमें। मिड का अगर आप चाहते हैं तो कर लेंगे, वरना फाइनल में इतना हो जाएगा कि आप मिड भूल जाएंगे। सर, ये फाइनल वाला भी हम शॉर्ट करवाएंगे।